हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के वीडियो में आप सभी के लिए हम कुछ अलग से लाए हैं। इस वीडियो के लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो आपको हमारी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आप सभी हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जो अपलोड होंगे जितने भी वीडियो, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और इस प्रधानमंत्री किसान योजना जो हमारी है उसकी संपूर्ण जानकारी जो अभी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद जो भी जानकारी आपको हमें मिलेगी वो आप तक जल्दी ही जल्द पहुंच जाएगी। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री किसान योजना की पूरी जानकारी लेते हैं। हमने ये किसान सम्मान निधि योजना की पूरी जानकारी कृषि विभाग से ली है, तो आपको ज़्यादा किसी कहीं घूमने की फिरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आपको सबसे पहली जो शर्तें हैं वो बताए दें, जिसके पास 5 एकड़ जमीन से कम है उन्हीं को किसान सम्मान निधि योजना में लाभ मिलेगा। दूसरी जो शर्त है, तो 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें आपको 3 बार मिलेंगी 1 साल में। इसके बाद जो है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस अगले जो हमारे मार्च जो 2019 में है तभी उसकी पहली किस्त आ जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म कब भरे जाएंगे तो उसके बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है, फिर भी आपको बता दें 24 तारीख के बाद पोर्टल में, यानी कि जो वेबसाइट बनाई गई है किसान पीएम किसान योजना की, जो वेबसाइट बनाई गई है जो हम दूसरे अपने वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे पूरी, जो अभी आ जाएगी। तो आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपको बता देंगे। तो वो जो है वो जो उसके बाद आपको देखना आपका गांव कैसे सर्च करना, सभी प्रकार की हम आपको बता देंगे। गांव सर्च करने के बाद आपको कंफर्म वो बता देंगे, आपका नाम आ जाएगा उसमें आपका गांव में, तो आपको मिलेगी उसके बारे जानकारी। फिर आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको घोषणा पत्र देना होगा जिसमें 7 शर्तें हैं, जो 7 शर्तों को आपको मानना होगा तभी जाकर आपकी जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आपकी जमीन जो है उसकी भी आपकी जांच की जाएगी, यानी कि आपके पट्टा जो कहते हैं उसकी जांच हो जाएगी। जमीन का पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो हम बात करते हैं हमारे 7 जो शर्तें जो हमारे सरकार ने हमारे सामने जो रखी है उस शर्तों को रखते हैं, तो आपको बता दें ये पूरी शर्तें 7 पैराग्राफ में रखी गई है। तो वो अलग अलग हैं, जो जिनके नौकरी पेशे वाले हैं उनके लिए भी है, जो सामान्य है उनके लिए भी है, जो बड़े किसान हैं उनके लिए भी है। तो इस सभी प्रकार की जानकारी ये पूरी 7 शर्तों में रखी गई है। तो आपको इसके पूरी जानकारी डिटेल में नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी पूरा देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पूरे वीडियो में आपको पूरी 7-7 जो शर्तें हैं वो कन्फर्म बता दी जाएंगी। तो पहली शर्त की बारे में बात करते हैं, तो पहली शर्त जो है वो है, पहली शर्त है, तो पहली शर्त की बात करें तो वो शर्त है 2 हेक्टर या 2 हेक्टर से कम जमीन है तो ही इस सम्मान निधि योजना जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसमें लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह जान लीजिए, अगर आपकी जमीन 2 हेक्टर से ज्यादा है तो आपको यह जो योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि आपकी कितनी है, 1 हेक्टर बराबर जो होता है 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, तो 2 हेक्टर बराबर 20,000 स्क्वायर मीटर रहा है होता है। तो आप पूरी तरह जानकारी कंफर्म कर लीजिए आपका कितना है, आपका पट्टा में पूरी तरह डिटेल में होता है। अगर आपको इसके बारे में पूरा कंफर्म नहीं पता चलता है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में है उसमें लिख के भेज सकते हैं, अगर आपको इसका पूरी जानकारी नहीं मिल रही है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो शर्त है, अगर आप किसी वैधानिक पदाधिकारी यानी कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगी। यानी कि अच्छी तरह से आपको जांच लेना है और आपको पता है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या नहीं हो, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप भरने से पहले जानकारी पूरी अच्छी कंफर्म कर लीजिए। अगर आप मंत्री या राज्य मंत्री या लोकसभा राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य हैं, वर्तमान नगर पालिका के मेंबर या भूतपूर्व मेंबर रह चुके हैं, या पंचायत जिला पंचायत या किसी भी में आपके को आप पर कार्यरत हैं तो आपको नहीं मिलेगी ये योजना की लाभ। आपको तभी मिलेगा जब आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। और जो 34 शर्त हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। पर एक शर्त और है इसमें सरकारी वाले में, तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए। तो लेकिन अगर आप चतुर श्रेणी समूह घ के कर्मचारी को छोड़कर, यानी कि चतुर श्रेणी जो कर्मचारी होते हैं बाबू वगैरह, उन बाबू जो हमारे होते हैं उनको मिलेंगी ये जो योजना है, उनका लाभ मिलेगा उनको। 5वीं शर्त है, अगर आप आयकर दाता है यानी इनकम टैक्स भरते हो तो आप इससे पहले ही जान लीजिए कि आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको जानते ही होंगे कि इनकम टैक्स वालों को ये लाभ नहीं मिलता, ये सिर्फ किसान भाइयों के लिए है। तो आप
कंफर्म कर लीजिए आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। तो अगर आपकी मासिक वेतन 10,000 रुपये से अधिक है, लेकिन अगर आप चतुर्थ श्रेणी समूह घ के पेंशनर को छोड़कर तो भी आपको लाभ मिलेगा, यानी कि आप 10,000 से ऊपर के हैं, यानी कि 10,000 रुपये मासिक वेतन से मासिक आपके जो आए हैं उससे ऊपर के हैं तो भी आपको मिलेगा। हम छठवीं शर्त की बात करें तो छठी शर्त जो है, अगर आपका मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है, लेकिन आप किसी जो आपके गवर्नमेंट हैं उससे आप उतरे हुए हो, यानी कि पेंशन आपके किसी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हो और आपकी पेंशन 10,000 से अधिक भी है या फिर कम भी है, फिर भी आपको इसका लाभ मिलेगा। तभी मिलेगा जब आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से हो या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर्ड हुए हो, और 10,000 से कम आय वालों को ही या फिर उससे अधिक हैं तो आप किसान होने चाहिए, तभी आपको मिलेगा, पर गवर्नमेंट सर्वेंट को ये लाभ नहीं मिलेगा इसमें। सातवीं शर्त की बात करें तो संपूर्ण शर्तों में एक ही शर्त आ रही है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होने चाहिए। तो इसी सातवीं शर्त यही शर्त है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर आर्किटेक्ट है, तो इनको ये किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसकी बारे में ही सातवीं शर्त है, तो आप इसको जान लीजिए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होने चाहिए। और अगर आपको 1 हेक्टेयर के बारे में पता नहीं चले तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करिए कि आप ये कमेंट में ये लिखिए कि 1 हेक्टर बराबर कितना होता है या फिर एकड़ के बारे में कुछ भी आप लिख दीजिए, हम आपको रिफंड में PDF के द्वारा आपको मेल कर देंगे आपके जो ID है Gmail ID उस पर। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। हमने कन्फर्म लिखित और हमने इसमें बहुत मेहनत की है तो आप जान लीजिए। दूसरी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस YouTube चैनल पे अपलोड की जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।